बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल अंगारा चिकन की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आज से पहले मुझे नहीं लगता कि आपने इसे ट्राई किया होगा। बनाना भी इसको बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए आपका टाइम जाया किए बिना अपनी जबरदस्त सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अंगारा चिकन को बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा ये हमारे पास हाफ के जी गोश्त है चिकन का। इसको अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर ये हमारे पास दही है। इस चिकन को हमें करना होगा मैरिनेट सबसे पहले, और आपको पता है जो चिकन मैरिनेट हो वो कितना जबरदस्त बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर ये हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अब यहाँ पे बारी स्पाइसेस की आ जाती है। स्पाइसेस में सबसे पहले 1/2 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस सारे ऐड कर दिए हुए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे पास 1 चुटकी के बराबर खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे। आपने रेड कलर नहीं ऐड करना तो आप लोग देगी मिर्च ऐड कर लीजिएगा जो बहुत ज्यादा रेड कलर की होती है, या आप लोग इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर दीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स इट वेल कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे। इसको कवर करके फ्रिज में रखेंगे हम आधे घंटे के लिए। अगर टाइम ज्यादा है तो ज्यादा टाइम के लिए रख लीजिएगा, और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा। मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद और चलते हैं फिर आगे के प्रोसेस में। साथ ही हम यहाँ पर दूसरी तरफ गैस पे रखेंगे 1 अदद कढ़ाई। इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारे पास 1/2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल है। आप देख सकते हैं इस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया हुआ था। इस रेसिपी में हमें सिर्फ फ्राई प्याज ही ऐड करना है, दूसरा जो प्याज है वो हम इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये तकरीबन 8 से 10 अदद हमारे पास काली मिर्चे हैं और 3 सब्ज इलायचियां हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। 30 से 40 सेकंड के बाद अब हम इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे जिसको हमने 1 घंटे से मैरिनेट करके रखा हुआ था। 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर हम इस चिकन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चिकन आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त सा यहाँ पर फ्राई हो रहा है। इतने में ये फ्राई होता है, हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1 अदद जार लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर ये हमारे पास फ्राइड प्याज है। तकरीबन 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे हमने फ्राई कर लिया हुआ है, और ये हमारे पास 2 मीडियम साइज के टमाटर थे वो हमने इनको रफली काट लिया हुआ है। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। ये लें जी, ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा इसका पेस्ट तैयार है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो चुके हुए हैं इस चिकन को फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से साफ कर लेंगे और इसको हम अब मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन से 12 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत जबरदस्त ही तैयार हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चिकन को पकते हुए हो चुके हुए हैं यहाँ पे 5 मिनट, और आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो हल्का हल्का सा सेपरेट होने लग चुका हुआ है, अभी अच्छे तरीके से कुक नहीं हुआ। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम करेंगे और इसे हम कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और ग्रेवी भी हमारी जबरदस्ती सेट हो जाए, और देते हैं बाद में इसको एक जबरदस्त सा अंगारा फ्लेवर। ये लें जी, इस अंगारा चिकन को कवर किए हुए 7 मिनट हो चुके हुए हैं। खोल के चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग चुका हुआ है, चिकन भी हमारा बहुत जबरदस्त सा गल चुका हुआ है। इसमें देंगे अब हम यहाँ पे जबरदस्त सा अंगारा फ्लेवर। यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से 1 कटोरी, आपके पास कोई सी भी है तो आप रख लीजिएगा। साथ ही हम रखेंगे इसमें ये कोयला, इसके ऊपर यहाँ पर हम ऑयल फेंकेंगे और इसको हम फौरन से कवर कर देंगे ताकि स्मोक जो है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। 2 से 3 मिनट इसे हम कवर करके रखते हैं। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। 3 मिनट हो चुके हुए हैं, खोल के अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आ चुका हुआ इसके अंदर, इसको अब हम हटा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कट की हुई हरी मिर्चें और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, और अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि अंगारा चिकन कितना जबरदस्त सा, कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अंगारा चिकन की रेसिपी बहुत कमाल की बन के हो चुकी हुई है तैयार। इसकी अगर यहाँ पर हम ग्रेवी की बात करें तो ग्रेवी इसकी बहुत ही स्मूथ सी और बहुत ही कमाल की बन के तैयार होती है। आपके घर आए हो मेहमान तो आप इस अंगारा चिकन को जरूर अपने घरों में ट्राई करिएगा। इसकी खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मेरे कहने पर आप लोगों ने इसे एक बार ट्राई करना है और मुझे फीडबैक जरूर देना। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।